हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको चंबा के एक महत्वपूर्ण मंदिर का टूर देने वाला हूँ, जो कि शीतला माता का मंदिर है। उस मंदिर से रिलेटेड मैं आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। सो एंड तक इस वीडियो पर बने रहे। थैंक यू सो मच। शीतला माता का मंदिर चंबा के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर चंबा में कसाकड़ा मोहल्ला में रावी नदी के किनारे स्थित है। यूं तो मंदिर के प्रांगण में बहुत से मंदिर हैं, परंतु शीतला माता का मंदिर इन सभी मंदिरों में प्रमुख है। अक्सर माता के मंदिर में ऐसे चरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लोग इन चरणों का स्पर्श करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिरों में त्रिशूल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ये त्रिशूल लोगों के द्वारा माता को अर्पित किए जाते हैं, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। स्थानीय भाषा में लोगों की मनोकामना को सुखण भी कहा जाता है। जैसे शीतल का अर्थ ठंडा होता है, उसी प्रकार शीतला माता को ठंडी देवी भी कहा जाता है, क्योंकि माता बहुत से रोगों को दूर करने में लोगों की बहुत सहायता करती है। चिकन पॉक्स नामक बीमारी, फोड़े, फुंसी और फफोले आदि रोगों को माता के लिए व्रत और पूजा करके समाप्त किया जा सकता है। यदि हम माता की प्रतिमा को ध्यान से देखें तो माता गधे पर सवार हैं और माता ने एक हाथ में झाड़ू पकड़ा है और दूसरे हाथ में मिट्टी का बर्तन पकड़ा हुआ है। एक हाथ में झाड़ू पकड़ने का यह तात्पर्य है कि माता सारे समाज संसार से दरिद्रता और दुखों को दूर करती है। दूसरे हाथ में पानी के घड़े से लोगों के कष्टों का नाश करती है। शीतला माता को पार्वती माता का अवतार माना गया है और माता की पूजा मंगलवार के दिन की जाती है। होली के बाद चैत्र के महीने में सप्तमी
और अष्टमी के दिन माता की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। राजस्थान की मान्यता के अनुसार जो भी व्यक्ति चैत्र महीने की सप्तमी के दिन माता को ठंडा पानी, दही और ठंडा भोजन अर्पित करता है, उसकी मनोकामना माता अवश्य पूरी करती है। और शीतला अष्टमी के दिन जो पुरुष यदि बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े ना दे और माता को ठंडा पानी और भोजन अर्पित करे, उसकी माता मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। माता को ठंडा व बासी प्रसाद अर्पित किया जाता है, जिसको स्थानीय भाषा में संज कहा जाता है। पुराणों में भी माता का महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण के 12वें अध्याय के अनुसार जिसको भी फोड़े, फुंसी, फफोले और छोटी माता आदि रोग शरीर को लग जाएं, वह व्यक्ति पीसी हुई मसूर की दाल और व्रत आदि करके माता को प्रसन्न कर सकता है, जिससे माता उस व्यक्ति को रोग मुक्त कर देती है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि यदि उनकी आंखों में कोई दिक्कत आ जाए और वे माता से गुहार लगाएं कि उनकी आंखें ठीक हो जाएं, तो माता उनकी आंखें अवश्य ठीक करती हैं। उपहार स्वरूप वे माता को चांदी व सोने की बनी आंखें अर्पित करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।